दिया गया है प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो किसने दी थी। तो ये प्राकृतिक वर्णवाद को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये किसने दी थी हमसे ये पूछा गया है यहाँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपने पास में इरेस्मस डार्विन। इरेस्मस डार्विन जो है इनका बताया गया है 1731 से 1802। ये इरेस्मस डार्विन जो है चार्ल्स डार्विन के दादाजी थे। ठीक है, उनके चार्ल्स डार्विन के दादाजी थे और ये एक फिजिशियन थे उस समय पर, एक फिजिशियन। ठीक है, तो ये इन्होंने तो दिया नहीं है। लेमार्क जो है, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। लेमार्क है और लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस इसको बोला जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि जो लक्षण कोई भी जीव अपने अंदर ग्रहण करता है उन लक्षणों को वो अगली पीढ़ी में भी ले जाता है। जैसे कि जो सांप है उन्होंने क्या किया कि अपने पैर जो है वो खो दिए, बिलों में रहने की वजह से उन्होंने अपने पैर खो दिए। ठीक है, तीसरे वैज्ञानिक अपने पास में चार्ल्स डार्विन, इन्होंने दी थी नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थी, नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी दी थी, यानी कि प्रकृति ही जो है वो उचित जीव का चयन करती है, इसको बोला जाता है नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी। ठीक है ना, प्राकृतिक वर्णवाद इसको बोला जाता है हिंदी में, प्राकृतिक वर्णवाद। प्राकृतिक वर्णवाद इसका मतलब है कि जब भी कोई जीव, ठीक है, मतलब जो भी जीव है उस जीव का चयन, उस जीव का चयन जो है वो कौन करता है, प्रकृति करती है, और प्रकृति में वही जीव स्थायी रहता है जो प्रकृति से लड़ सकता है, यानी कि प्रकृति के नेचर के अगेंस्ट चलने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वही यहाँ पर क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी, चार्ल्स डार्विन। तो हमारा जो आंसर है सही वो कौन सा है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डी ब्रिज का भी देख लेते हैं। डी ब्रिज जो है इसने जेनेटिक पे रिसर्च किया था, यानी कि अनुवांशिकता के ऊपर इसने प्रयोग किया है, तो इसने जेनेटिक के ऊपर प्रयोग किए, और म्यूटेशन थ्योरी इसने दी थी, म्यूटेशन थ्योरी इसने दी थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं यहाँ पर। तो जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने दिया था यह सिद्धांत, नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी या प्राकृतिक वर्णवाद।